नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह। इस वक्त हमारे साथ जम्मू के मेयर साहब भी हैं और तमाम वीआईपी लोग यहां पर मौजूद हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हमारे सभी परफेक्ट टाइमलाइन देखने वाले दर्शकों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज आप शंभू मंदिर में क्या कुछ खास है और इन्हें मुबारकबाद देते हैं महाशिवरात्रि की। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक है शिवरात्रि की। जी जी, सबको, जम्मू वासियों को, देशवासियों को, प्रदेश जहाँ जहाँ भी हमारे लोग बैठे हैं सनातन के, आज सबको बहुत बहुत मुबारक है। आप शंभू की, सबका आशीर्वाद मिले आप शंभू वाला। पूरी दुनिया यहाँ, जम्मू पूरा यहाँ आता है और आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर पूरी खुशहाली आए। फिर एक जो नया जम्मू कश्मीर जो बनने जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा और हमारे LG जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, उसके द्वारा बहुत सा जहाँ काम हो रहा है, बहुत सी तरक्की हो रही है, बच्चों को काम मिला है, लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। जो बच्चे गलत रास्ते पर गए थे वो भी धीरे 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 फिर अपने अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और विशेषकर जो बच्चे हमारे आज यूक्रेन के अंदर जो रशिया के साथ युद्ध हो रहा है वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे चार मंत्री कल ही उनकी ड्यूटी लगाई है, अलग अलग देश में जाके जो आसपास वाले देशों में बैठ के एक एक बच्चे को निकाला जाएगा और भोलेनाथ की कृपा होगी और किसी को भी कोई हाथ नहीं होगा। और यही प्रार्थना करते हुए भोलेनाथ से कि ये युद्ध भी खत्म होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ताकि आम आदमी, मानवता का क्या कसूर है उसमें, गरीब आदमी, आम आदमी का तो जिद तो होती है लीडरों की, जो बड़े बड़े अपने देश हैं उनके आपस में कोई बात होगी, लेकिन यही अपील करते हुए आशा है कि भोलेनाथ की आज कृपा है, कृपा के साथ युद्ध भी खत्म होगा और सब लोग हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स फंसे हैं और भी कोई नागरिक है, वो सेफ एंड साउंड अपने घर आएगा। जी सर। सर, और आपका क्या संदेश है अब महाशिवरात्रि पे युवाओं को, जम्मू के युवाओं को क्या संदेश देते हैं? जिस तरह से शिवजी जी ने कहीं ना कहीं प्याला जहर का पिया और लोगों को भलाई के रास्ते पे आगे बढ़ाया, तो मैसेज परमात्मा ने पहले ही दिया है, युवा कहीं ना कहीं आज के भूलते जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? पहले तो मैं शिवरात्रि के महापर्व की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, जो आपने पर्टिकुलरली युवाओं की बात की है, तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर में, प्रांगण में युवाओं को भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे युवा हमारे भटक गए हैं, लेकिन जो युवा हमारे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम भोले शंकर जी के चरणों में ऐसी कामना करते हैं कि वो स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दें, एजुकेशन की ओर ध्यान दें, देश किस तरह से आगे ले जाएं उसकी डेवलपमेंट के में काम करें, ताकि जो युवा देश का हम आह्वान करते हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है वो देश को अगर बढ़ावा देने में काम आएगी, देश के जैसे स्टार्टअप्स की बात है, नए नए उद्योग लगाने की बात है, क्योंकि हम व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरी युवा वर्ग से यही अपील रहेगी आज के दिन कि वो नए नए स्टार्टअप्स लेके आगे आए, नए नए आइडियाज लेके आगे आए। जो प्रधानमंत्री जी का $5 trillion इकोनॉमी बनाने का सपना है, वो उस सपने को पूर्ण करने में अपना योगदान दे और हम भोले शंकर जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि बच्चों को सद्बुद्धि दे और ताकि वो देश की डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सके। जय हिंद और हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के गूंज के साथ, नारों के साथ यहाँ पर मेयर साहब का यही कहना था कि युवाओं को जो